आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की ग्रीवेंस के सीरीज में मैं आपको ले आई हूँ बस स्टैंड में। और बस स्टैंड एक ऐसे एरिया जहाँ से टूरिस्ट का आना जाना रहता है, आम लोगों का आना जाना रहता है, आईपीस का आना जाना रहता है, वीआईपीस का आना जाना रहता है। लेकिन ऐसे में अगर हमें सड़क की बात की जाए, जहाँ पर जम्मू सिटी की मॉडिफिकेशन की बात की जाती है, ब्यूटिफिकेशन की बात की जाती है, उस पर काम तो चल रहा है, लेकिन अगर सड़कों की बात की जाए, जिन सड़कों से हमें चलना होता है, उसकी हालत आप साफ तौर से यहाँ पर देख रहे हो कि किस तरह से सड़क के बीचों बीच जिस तरह से गड्ढे पड़े हुए हैं और कई बार यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। इन सबको लेकर आम लोगों का क्या कहना है, जो यहाँ पर लोग अपना रोज़गार चलाते हैं और साथ ही साथ जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, आखिर उनका क्या कहना है, कितने समय से इस तरह से इस सड़क की इस तरह की हालत है, ये जानते हैं। आपका नाम? राजू राजकुमार। हाँ जी राजकुमार। राजकुमार जी, मुझे बताइए कि जम्मू सिटी की मॉडिफिकेशन चल रही, ब्यूटीफिकेशन चल रही, सड़कों की बात की जाए तो काफी देर से खड्डे, कितना समय हो गया? मैम जहाँ से देखो ये खड्डे तो वैसे ही जैसे जब से काम लगा हुआ है यहाँ पे, जब काम कम्प्लीट होगा तभी खड्डे भरेंगे यहाँ पे। अभी काम ये देखिए कितना काम, कितनी देर से खड्डे इस तरह से ऐसे ही है? कम से कम जब से देख रहे हैं, जब से कम से कम 2 महीने हो गए ऐसे ही रोड भी बना हुआ है। रिक्वेस्ट क्या करते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन से? एडमिनिस्ट्रेशन यही कहते हैं थोड़ा रोडों के बारे में ध्यान रखिए जी। तो यहाँ पर आपने सुना कि इनका ये कहना है कि रोडों पे ध्यान देने की ज़रूरत इन्होंने साफ तौर से जाहिर की है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पे ये रहते हैं और जिस तरह से लोगों की आवाजाही रहती है, ऐसी सड़क के चलते इनके काम पर कितना असर पड़ता है और आम लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी आती है, वो भी हम जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शया। शया मुझे बताओ कि ये बस स्टैंड की हालत कितनी देर से ऐसी है? अभी इसको कम से कम कोई 3-4 महीने हो गई हालत इसकी ऐसी है जी। हालत नज़र तो सबकी पड़ती है इसके ऊपर, पर इसके ऊपर को अच्छी तरह ध्यान नहीं देता है हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और वो भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, जो हमारे अपने मतलब हुकूमत वो भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। चलते तो सब हर एक की नज़र पड़ती है लेकिन कोई इसको ध्यान नहीं देता है। मेन जगह तो यही है, मेन रास्ता तो ये जम्मू बस स्टैंड। रात के टाइम पे तो अंधेरा होता है, तो क्या कोई एक्सीडेंट यहाँ पर हुए हैं अभी तक? तो हमारे सामने बहुत ज़्यादा हादसे भी हुए यहाँ पे, कोई स्कूटी कोई बाइक वगैरह गिर जाती है रात को, तो नज़र नहीं आता है लाइट में, लेकिन अब इसके ऊपर जब सोचता ही नहीं कोई। अपील क्या करते हैं आप? अपील हम सरकार से यही करते हैं कि इसको जल्दी जल्दी ब्लैक टॉपिंग की जाए और रोड को अच्छे से अच्छा बनाया जाए यहाँ पे जम्मू बस स्टैंड में। तो बस स्टैंड में आज हम आपको लेकर आए थे और लोगों की ग्रीवेंस दिखाने के लिए हम आप कोशिश कर रहे थे कि लोगों से बातचीत करें। कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की लेकिन कुछ लोगों ने कैमरे के सामने से आने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था ऑफ कैमरा कि अब हमारी उम्मीद छूट चुकी है क्योंकि काफ़ी समय से हम इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से स्मार्ट सिटी की बात तो की जाती है, नए प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, पुराने प्रोजेक्ट्स का आप देख सकते हो किस तरह से गड्ढे जो हैं यहाँ पर साफ तौर से नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम थक चुके हैं क्योंकि सरकार अब कुछ नहीं कर रही है। अब देखना ये है, हमारी भी ये कोशिश है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से या कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस पर ध्यान दे और साथ ही साथ ब्लैक टॉपिंग का जल्द से जल्द काम शुरू करवाए, क्योंकि जिस तरह से गलियों में काम शुरू हो चुका है, अच्छा काम कर रहे हैं वो, क्योंकि गली तक पहुँच पा रहे हैं। ऐसे में जो ये सड़क है जहाँ से हर कोई गुजरता है, टूरिस्ट की बात की जाए वो भी यहाँ से गुजरते हैं, तो उनकी नज़र हमारे जम्मू को लेकर बुरी ना पड़े, ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जल्द से जल्द ब्लैक टॉपिंग का काम जो है यहाँ पर कराया जाए। देखना यह है कि कब तक यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का काम होता है और कब तक यहाँ पर स्मूथली लोग अपनी गाड़ी चला पाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। आप सबसे देखते हैं यंग बाइट्स, वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।